हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 वीक रह गए हैं और 2 वीक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है। इसीलिए यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे 2 वीडियो मैं लेने जा रहा हूँ। एक पहला वीडियो है जो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के बारे में सभी प्रकार के तथ्यात्मक जानकारी को एक ही वीडियो हम देने वाले हैं, और दूसरा वीडियो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट अफेयर्स है वहाँ पर आपको 1 साल का करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा। तो 2 वीडियो यूपी स्पेशल से लेकर आएंगे। पहला ये वीडियो आपको है जहाँ पर हम उत्तर प्रदेश से लेकर तथ्यात्मक सभी जितने भी आपके क्वेश्चन तथ्यात्मक आधार पर पूछे जाते हैं, चाहे उसके भूगोल के आधार पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण है या फिर अन्य चीज़ें हैं, आपको संस्थान हैं, पुरस्कार हैं, लोक कलाएं हैं, नृत्य हैं, ये सारी जो चीज़ें आपको उससे पूछी जाती हैं वो सभी प्रश्न को लेकर यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। अगले 30 मिनट से लेकर 1 घंटे में आपको ये पूरा वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, और आप इस एक वीडियो को देखकर यूपी स्पेशल से संबंधित कई प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर आपका काम आसान हो जाएगा, पढ़ना आसान हो जाएगा, रिवीजन आपका हो जाएगा। दूसरा जो वीडियो है करंट अफेयर्स को लेकर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक में यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपको 1 साल का दिया जाएगा, 1 हफ्ते पहले प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आपके पास जो भी समय यहाँ पर बचेगा 1 हफ्ते पहले जितनी बार भी हो सके आप यूपी स्पेशल को करंट का रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यूपी स्पेशल को लेकर यहाँ पर आज क्या है विशेष रूप से तथ्यात्मक जानकारी हमारे साथ। वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो यूपी स्पेशल का एग्ज़ाम देना है। और इस बार ध्यान रखना है, लक्ष्य हमारा क्या है कि इस बार यहाँ पे सिलेक्शन लेना ही है, सिलेक्शन लेना है चाहे जैसे भी हो, तो इसलिए यहाँ पर अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं करना है, समय को ज़ाया नहीं करना है, और यहाँ पर लगातार जब तक पेपर हो नहीं जाता है तब तक अपनी आपको यहाँ पर अपना फोकस नहीं लूज करना है, मेहनत करनी है और इस साल एग्ज़ाम भी क्रैक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉप, यहाँ पे उत्तर प्रदेश संबंधित एक दृष्टि में देखते हैं क्या है। देखिए क्या क्या पॉइंट्स आपको रिमेम्बर रखने, क्या याद रखने चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम में जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो तथ्यात्मक जानकारी है, देखिए यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पर हम पॉइंट्स के हिसाब से इसे डेवलप किया गया है। अब पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हम देखते चलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्षेत्रफल, यूपी का क्षेत्रफल कितना है, 240,928 वर्ग किलोमीटर है, और भारत का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। एक क्वेश्चन आता है कि यूपी का यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है भारत के लिए, भारत के पूरे क्षेत्रफल का, तो 7.33% यहाँ पे क्वायर करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूपी का क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का स्थान, भारत में इसका कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखना है कौन सा है, यहाँ पे चौथा स्थान है, ठीक है, फोर्थ नंबर पे है। यहाँ पे राजधानी सबको पता है लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, लेकिन जो क्वेश्चन मूल रूप से यहाँ पे पूछे जाते हैं कि सीमावर्ती प्रदेश यूपी के कौन कौन से यहाँ पे राज्यों के साथ सीमाएं लगती हैं, तो चलिए देखते हैं कितने राज्यों के साथ सीमाएं लगती हैं। ध्यान रखिएगा बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं उत्तर की तरफ से, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम दिल्ली है। तो इस तरीके से देखिए तो टोटल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ यहाँ पर इसकी सीमा लगती है। ध्यान रखिएगा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है, कितने के साथ लगता है, 4 राज्यों के साथ यहां पर इसकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है, कौन कौन सी यहां पर हैं, यहां पर आप देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, ये सब यहां पर इसकी सीमाएं यहां पर आपको लगती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आपका अगला यहां पर है, देखिए सर्वाधिक यहाँ पे सीमावर्ती देश कौन से, सीमावर्ती देश देखिए क्या कौन सा है, नेपाल यहाँ पे इसकी सीमा को साझा करता है, ठीक है, नेपाल यहाँ पर आपको सीमाओं को साझा करता है। यहाँ पर आई थिंक एक राज्य इन्होंने यहाँ पे कोट नहीं किया है और वो है झारखंड, ठीक है, झारखंड भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 राज्य है उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड आता है, और ये चारों यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पर मिला करके, क्योंकि उत्तराखंड 1, हिमाचल 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, बिहार 7, झारखंड 8, तो 8 राज्यों के साथ यहाँ पे सीमाएं लगती हैं, दिल्ली यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, प्रमुख नदियाँ अगर देखें यहाँ पर आपका, तो यूपी की प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा यहाँ पर आपकी प्रमुख नदियाँ हैं। नदियों के साथ साथ एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यूपी स्पेशल यहाँ पे आपको पढ़ रहे हैं, तो यूपी का स्थान कुल मिला के फसलों को लेकर कैसा है ना,
फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, देश में प्रथम स्थान पर यूपी है गेहूं उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, कुल पशुधन में, गन्ना उत्पादन करने में, आलू उत्पादन में, रेल मार्ग में, बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस, इन सभी क्षेत्रों में यूपी का भारत में पहला स्थान है। ठीक है, गेहूं, कुल खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, कुल पशुधन, गन्ना, आलू, रेल मार्ग, बैंक शाखा और पोस्ट ऑफिस। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रथम स्थान को लेकर काफी क्वेश्चन बनते हैं। मौसम कैसा है यूपी का, जलवायु कैसी है? तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु भी है, वर्षा भी है और शीत ऋतु भी है। मार्च जून से आपका ग्रीष्म ऋतु चलता है, मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है और अक्टूबर से लेकर फरवरी तक शीत ऋतु यहां पर आ जाती है। इसके क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या देखिए, भारत की, भारत के लिहाज से यूपी की जो जनसंख्या है 2011 की, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। इनकी देखिए टोटल जो जनसंख्या यहाँ पर है, टोटल जनसंख्या देखिए तो 19 करोड़ है, 19,98,12,341 है यहाँ पर, जो भारत की कुल जनसंख्या 16.50% है। महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर ये 8 करोड़ है, 8,53,31,831, और पुरुषों की देखें तो 10,44,80,510 यहाँ पर आपके पुरुषों की जनसंख्या है। तो स्त्री पुरुष का अनुपात देखिए तो यहाँ काफी कम है, 912:1,000 है। वहीं जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर है। जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर भी देखें तो 20.2% है। ये डेटा ध्यान रखिएगा, जनसंख्या से रिलेटेड काफी सारे प्रश्न आपको जनसंख्या रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सकल जनसंख्या, महिलाएं, पुरुष, स्त्री पुरुष अनुपात, जनसंख्या घनत्व और दशकीय वृद्धि दर के डेटा हमने देख लिया। आगे यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जो यूपी से रिलेटेड हैं, जैसे कि राजकीय भाषा क्या है यूपी की, तो हिंदी और उर्दू है। राजकीय चिन्ह देखें तो मछलियां और तीर धनुष है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका धनुष है और यहाँ पे दोनों साइड आपको मछलियां हैं। राजकीय पुष्प यहाँ पर देखिए आपका पलाश है, राजकीय वृक्ष ये है आपका अशोक, जिसे सीता अशोक भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राजकीय जो पशु है वो बारहसिंघा है, राजकीय जो पक्षी है सारस या क्रौंच है। राज्यपाल यहाँ पे आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं इस समय। तो ये है आपका कुछ और अन्य फैक्ट यहाँ पे। आइए और देखते हैं जनसंख्या से रिलेटेड कुछ और डाटा है, जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शहरी जनसंख्या देखिए यहाँ पर कितना है, 20.1% है, वहीं ग्रामीण जो जनसंख्या है वो 77% है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करीब 4 करोड़ यहाँ पे शहरी जनसंख्या है और ग्रामीण जनसंख्या देखिए तो 15 करोड़ से भी ज्यादा है। जिस तरीके से यहाँ पे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात, अब जनसंख्या जो रहती है वो रहती कैसी है, कितने लोग यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, गरीबी की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर देखिए तेंदुलकर समिति के अनुसार जो गरीबी रेखा निवासित की गई वो 2011-12 के अनुसार 29.43% यहाँ पे बताइए कितना, 29.43%। साथ ही यहाँ पे जनगणना के अनुसार जो कार्य सहभागिता है यूपी की, तो यहाँ पे 32.94% है, कितना 32.94% है। चलिए यहाँ पे कुछ डेटा है जो संशोधित करके यहाँ पे दिया हुआ है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो 2013 से 2017 के दौरान रही, कुल व्यक्तियों की यहाँ पे 65 है, पुरुषों की 65.3 है, महिलाओं की 65.6 है। तो यहाँ पर देखिए तो महिलाओं पुरुष का अनुपात यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आई थिंक 64.6 होना चाहिए, क्योंकि अनुपात आपका कुल व्यक्तियों का यहाँ पे 65 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं धर्म के आधार पर जनसंख्या जो 2011 की जनगणना क्या कहती है। धर्म के अनुसार देखिए सबसे ज्यादा हिंदू हैं यूपी में, 79.73%, करीब 15 करोड़। मुस्लिमों की 3 करोड़ है, 19.6%। इसके अलावा सिखों की देखिए तो 0.32% है, करीब 6,43,500 हैं। ईसाइयों की देखिए तो यहाँ 35,644 है। जैन की देखिए तो आई थिंक 3 लाख होगा, 3,56,440, 0.88%। वहीं जैन की देखिए 2,13,267 है, बौद्ध की 2,06,285 है और अन्य धर्मियों की यहाँ पर 13,598 है। तो टोटल जनसंख्या यहाँ पर देखिए, कुछ लोग नहीं भी किसी धर्म को मानते हैं, ऐसे लोगों की संख्या यहाँ पर 5,82,622 है। तो ये है धर्म के अनुसार जनसंख्या जो 2011 के अनुसार है। चलिए परसेंटेज वाइज ध्यान रखिएगा, ठीक है, परसेंटेज वाइज यहाँ पर और बाकी जनसंख्या किसी भी तरीके से पूछे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बस इतना ध्यान रखना है यही 4 जो धर्म है ये आपको पहले 4 आएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाकी आपको याद करने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। चलिए एक और क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आपको पूछते हुए दिखाई देते हैं वो है साक्षरता दर को लेकर। साक्षरता दर देखिए यूपी की है 67.7 जबकि पुरुषों की है 77
और स्त्रियों की है 57, तो यहाँ पर स्त्री साक्षरता दर आपकी काफी कम है। वहीं नगरीय और ग्रामीण साक्षरता की दर की अगर आप तुलना करके देखें तो जहां नगरीय साक्षरता दर ये 75.1% है, जिसमें पुरुषों की नगरीय साक्षरता आपकी 80.5 है, वहीं स्त्रियों की ये सिर्फ 69.2% है। वहीं ग्रामीण साक्षरता की भी बात कर लेते हैं, ग्रामीण साक्षरता की देखिए जो दर है 2011 के अनुसार वो 60.55% है, लेकिन यहाँ भी पुरुषों की साक्षरता दर बेहतर है, 76.3% है। वह महिलाओं की देखिए साक्षरता दर से 53.7, तो काफी अगर हम कहें कि हर दूसरी महिला यहाँ पर लगभग अशिक्षित है या साक्षर नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आपको यहाँ पर देखिए डेटा है 53.7% जो कहता है कि लगभग हर दूसरी महिला यहाँ पे साक्षर नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए बात करते हैं प्रशासनिक प्रकारियों की, किस तरीके से प्रशासन संभाला जाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखिए यूपी का जो इकाइयां हैं जिसमें आर्थिक संभाग 4 हैं, मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है, नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915 है, ग्राम पंचायतों की संख्या यहाँ पर 58,176 है ना, नए पंचायत कितने हैं तो 8,135, तहसीलें आपकी 351, विकास खंड 2021 के अनुसार 826 जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। वही नगर पंचायत 2017 के अनुसार देखिए 439 हैं, ठीक है, विकास खंड 826 हैं, अपडेटेड है यहाँ पर, और नगर पंचायतें 439 है। नगर पालिका परिषद की बात करें तो 198 हैं। वही नगर निगम अगर देखें तो यूपी में 17 हैं। इसी अलावा कुल ग्राम और आबाद ग्राम कितने हैं, तो कुल ग्राम देखिए यहाँ पर आप करीब आपको 106,774 है, वहीं आबाद ग्राम देखिए तो 97,184 है। तो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए यहाँ पर जो प्रमुख पंचायत नगर पालिका निगम प्रशासन वो है हमने देख लिया। अब बात करते हैं सहकारिता को लेकर, तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां 7,479 आपको यूपी में देखने को मिलती हैं। वहीं जिला केंद्र सहकारी जो बैंक हैं वो 50 हैं, और उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक शाखाएं आपको 323 हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो एलोपैथिक है, चिकित्सालय एवं औषधालय है जहां पर 1 जनवरी 2020 से 5,153 है। वहीं हम आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालयों की चिकित्सालयों की बात करें 2019-20 के अनुसार तो ये 2,360 हैं। इसके अलावा आपको अगर हम होम्योपैथिक चिकित्सालय की बात करें तो ये 1,576 हैं। उत्पादन के दृष्टिकोण से चलिए यहाँ पर देखते हैं भारत यूपी में विद्युत का उत्पादन कैसा है। डेटा यहाँ पर देखिए 2019-20 का है आपका डेटा, देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया गया है कि उत्पादन है करीब 2,620 करोड़ किलोवाट प्रति घंटे का। वहीं प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग जो है 401 किलोवाट घंटा है। पूर्णतः विद्युत ग्राम जो विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या है वो 97,814 है। वहीं प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन जो है 115 किलोवाट प्रति घंटा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद आपको 1,959, वहीं उत्तर प्रदेश नियामक जो आयोग है उसकी संख्या 1,998 है, या 98 यहाँ पर आपको स्थापना की गई 1998 में। इसके अलावा राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र है आपके 8, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र अलीगढ़ में 1942 में स्थापित किया, सबसे पुराना है, और एकमात्र जो परमाणु विद्युत केंद्र है आपका नरौरा बुलंदशहर में 1989 में स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे परिवहन को लेकर, परिवहन से संबंधित जो डेटा आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे यूपी के कुल सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 712,000 किलोमीटर है। डाकघर कितने हैं तो 17,670 हैं। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं, 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र आपको 13 हैं। साथ ही यहाँ पर आपके प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देखिए, कुल लंबाई यहाँ पर आपको कितनी है, तो ये है आपकी 11,736.8 किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि देश में स्थान कितना है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के लिहाज से, तो दूसरा है, ध्यान रखिएगा दूसरा स्थान है यूपी का। वहीं प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है, नेम चेंज कर दिया गया, पहले से हम जानते थे नेशनल हाईवे 2 के नाम से, अब इसे बना दिया गया है नेशनल हाईवे 19, नाम ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो यूपी से होकर गुजरता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बारे में बात करते हैं,
कितने हैं यहां पर देखिए, 1972 में स्थापित किया गया यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी, 165.537। कहां से होकर गुजरती है, तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में की गई, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई, और प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई 1859 में हैदराबाद से लेकर इलाहाबाद से लेकर आपका कानपुर के मध्य। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा आपको चलाई गई 1911 में इलाहाबाद से आपको नैनी के बीच। तो ये दोनों डेटा आपको ध्यान रखना है, पहली रेल और पहली हवाई डाक सेवा। पहली रेल चली इलाहाबाद से कानपुर 1859 में, और सर्वप्रथम आपका हवाई जो डाक सेवा रही वो इलाहाबाद से नैनी के बीच 1911 में चली। चलिए एक और प्रश्न आपको यहाँ पर पढ़ते हैं, भाषा के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। देखिए सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा यहाँ पर है हिंदी है, करीब 94.08% लोग हिंदी बोलते हैं। उर्दू की बात करें तो 5.42%, पंजाबी 0.25%, बंगाली 0.12% है। तो भाषा के अनुसार जनसंख्या देख ली। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के बारे में यहाँ पर डेटा दिया गया है, जनप्रतिनिधि क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य कितने लोग यूपी से आपको चुनकर जाते हैं लोकसभा में, तो 80 सीटें हैं। ठीक है, कितनी है, 80 सीटें हैं यहां पर लोकसभा में यूपी से, जो लोकसभा का चुनाव होगा तो 80 सीटें यहां से जाती हैं। राज्यसभा में कितने लोग चुनके जाते हैं, 31 लोग। उत्तर प्रदेश की विधानसभा विधान परिषद की बात करें तो जहां विधानसभा सदस्यों की जो सीटों की संख्या 403 है, वहीं विधान परिषद की संख्या जो है 100 है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जनप्रतिनिधि आपको कितने हैं, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा के 403 और विधान परिषद में 100। चलिए जनप्रतिनिधि के बाद बात करते हैं यूपी से संबंधित कुछ एग्रीकल्चर टॉपिक्स से रिलेटेड। तो यहां पर देखिए कृषि जलवायु प्रदेश यूपी में कितने हैं, 9 हैं। किसान बही योजना शुरू की गई 1992 में, चकबंदी योजना लेकर आई गई 1954 में, सबसे पुरानी जो नहर है पूर्वी यमुना नहर है जो 1830 में बनाई गई, और सबसे बड़ी जो नहर है वो है शारदा नहर। सबसे पुरानी सबसे बड़ी दोनों ध्यान रखिएगा, सबसे पुरानी पूर्वी यमुना नहर 1830 में, लेकिन सबसे बड़ी नहर की बात करेंगे तो यूपी की कौन सी नहर है, शारदा नहर है। डेटा ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न यहां से आते हैं हर साल आपको आते हैं, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर दो तरीके, एक तो ये आपको जीएस स्टैटिक का क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा वहां पर आपको करंट अफेयर स्टैटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसलिए दोनों ही प्रश्नों को आपको अच्छे से स्टडी करना है। चलिए आगे देखते हैं यहां पे किसान मित्र योजना के बारे में पढ़ते हैं। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को लॉन्च की गई, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में लॉन्च की गई, किसान रथ योजना 2011 में लॉन्च की गई, ऊर्जा शहर योजना 2008 में लॉन्च की गई। यहां पर देखिए काफी सारी योजनाएं हैं जो कि योजनागत स्थितियां आपको पूछी जाती हैं, लेकिन मूलतः अगर हम ध्यान रखें तो आपको ज्यादातर जो योजनाएं हैं वो करंट से रिलेटेड आती हैं, तो यहां पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं इस डेटा को ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम प्रतिदिन 2018-19 के अनुसार, और भारत में कितनी है, 394 ग्राम प्रतिदिन 2018-19 के अनुसार। तो यूपी में प्रति व्यक्ति यहां पर दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले कम है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा यूपी में कम है। इसके अलावा यूपी में राज्य दुग्ध परिषद, ठीक है, स्थापना की गई 1976 में, गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन के लिए दिया जाता है। कृषि निर्यात जोन जो है आपका आगरा में आलू का बना हुआ है, लखनऊ में आम का बनाया गया है और सहारनपुर में भी आम का बनाया गया है। तो तीन कृषि निर्यात जोन है आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, जहां आगरा आलू का है वहीं लखनऊ और सहारनपुर आम का है। चलिए बात करते हैं सिंचाई को लेकर, कितना प्रदेश सिंचित है, क्या एरिया है, कितना आपको बोया जाता है इत्यादि को लेकर। देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 165 लाख हेक्टेयर। यूपी का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165 लाख। शुद्ध सिंचित इसमें से सिर्फ 143 लाख हेक्टेयर सिंचा जाता था, सभी सिंचित एरिया नहीं है, सभी की सिंचाई नहीं हो पाती है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत यहां पर 86.6 है। सकल सिंचित क्षेत्रफल 216 लाख हेक्टेयर है। कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता जो 18-19 के अनुसार यहां 378 लाख हेक्टेयर है। इसके अलावा सकल सिंचन उपयोग की बात कर लें तो 297 लाख हेक्टेयर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सिंचाई जो होती है वो किन किन माध्यमों से यहाँ पर होती है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जो प्रश्न हैं
वो आपको इसमें से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा नलकूपों सिंचाई होती है, 2017-18 का ये डेटा है आपका, 74.9% सर्वाधिक यूपी में सिंचाई होती है नलकूप से। दूसरे स्थान पे यहाँ पे आता है नहर 15.2%, कुआं तीसरे नंबर पे है 8.7%, तालाब और झील है 0.5% और अन्य है 0.7%। तो यहाँ पे कई बार मिलान करने को या सही क्रम में लगाने को लेकर आता है, तो ध्यान रखिएगा पहले चार नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, ठीक है। तो नलकूप, नहर, कुआं, तालाब यहाँ पे आपको सिंचाई के सबसे अधिक यहाँ पे बड़े साधन के तौर पर यूज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं वन एवं वन्य जीवों को लेकर क्या है डेटा, क्या है यूपी की स्थिति यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जो आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का है, यहाँ पर इसमें कहा गया है कि कुल अभिलिखित तो वन है यूपी का 16582 वर्ग किलोमीटर। इसमें से अभिलिखित तो वन का जो प्रतिशत अगर हम बात करें, ये तो एरिया हो गया, अगर वन प्रतिशत की बात करें तो यह है 6.88%, ठीक है। कितना है? 6.88%। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अनुसार अभिलिखित वन प्रतिशत है 9.20%, यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष, तो यूपी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9% है। इसके अलावा वनावरण के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो 14805 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है आपका 6.15 किलोमीटर। इसके अलावा अति सघन वन की संख्या देखिए तो 2616.43 वर्ग किलोमीटर है, अराउंड आपका 1%। मध्यम सघन वन देखा जाए 4,080.04 वर्ग किलोमीटर है, जो 1.69% है। खुले वन की बात करें तो 8,109.18 वर्ग किलोमीटर है, जिसका परसेंटेज वाइज 3.37% है। तो सबसे ज़्यादा वन कौन से पाए जाते हैं? खुले वन, उससे कम मध्यम वन, और सबसे कम जो होते हैं वो अति सघन वन यूपी में पाए जाते हैं। वहीं अभ्यारण्य, पक्षी विहार, जीव विहार को लेकर भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, टाइगर रिजर्व इत्यादि को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। तो सबसे पहले कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र या अभ्यारण्य कितने हैं यूपी में? 28 हैं। वन जीव विहारों की संख्या इसमें से 11 है, पक्षी विहारों की संख्या 14 है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 1 है, जो दुधवा है सिर्फ, टाइगर रिजर्व 2 हैं, दुधवा के अतिरिक्त भी है, और सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले दो जिलों में हम बात करें तो सोनभद्र और भदोही वाले जिले आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक बार फिर से, कुल वन जीव संरक्षण 28, वन जीव विहार 11, पक्षी विहार 14, राष्ट्रीय उद्यान 1, टाइगर रिजर्व 2, और सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले दो जिले सोनभद्र और क्रमशः भदोही हैं। इसके अलावा कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पक्षी बड़ा, ये इसी तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे ऐसे यूपी के प्रश्न अगर आपको आएंगे तो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1997 चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में स्थापित है, ठीक है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, ठीक है, सबसे पुराना, सबसे बड़ा की बात करें तो हस्तिनापुर का है 2073 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया सबसे छोटा वन्यजीव विहार, ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है जो ललितपुर में है। इसके बाद सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार तो लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज का है, और सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार तो शेखा पक्षी वन्यजीव विहार आपका अलीगढ़ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार आपके कौन कौन से हैं। चलिए पहला ग्राम वन बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में है, ये भी ध्यान रखिएगा, पहला ग्राम वन है बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र। खनिजों की बात करते हैं, खनिजों को लेकर भी आपके यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें देखिए भूतत्व एवं खनिज कर निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 में स्थापित किया गया। प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में यहाँ पर खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। डायस्पोर भंडार में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो दूसरा है। यूरेनियम का स्थान यहाँ पर देखिए तो ललितपुर है, यूरेनियम आपको यूपी में कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में, ठीक है, और यह हीरा आपको बांदा में पाया जाता है। ये दो तथ्य ध्यान रखने हैं, यूरेनियम ललितपुर में, हीरा आपको बांदा में पाया जाता है। उद्योगों की बात करते हैं, खनिज के साथ साथ आपके उद्योग काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें खासकर कहाँ पे कितना सबसे ज़्यादा उत्पादन और कमी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग यूपी का है हथकरघा उद्योग, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है यूपी का हथकरघा उद्योग। कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो 13 हैं, 31 अक्टूबर 2020 तक है। प्रथम चीनी मिल आपको स्थापित किए गए प्रतापपुर देवरिया 1903 में। चीनी उत्पादन में देश में स्थान देखिए कौन सा है? प्रथम है। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपको सभी को पता है कानपुर को बोला जाता है। भारत की स्टील रोलिंग मिल आपका मुजफ्फरनगर में है। तो ये कुछ प्रश्न है, ठीक है। इकोनॉमिक जोन्स हैं, बड़ा उद्योग, चीनी मिल, चीनी उत्पादन का देश में स्थान हमेशा प्रथम रहता है। इसके अलावा रेल पहिया कारखाना कहाँ है आपका, रायबरेली में निर्माणाधीन है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट देखिए यहाँ पर कुछ आपको प्रमुख आपके कंपनियां कौन कौन सी स्थापित हैं यूपी में। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड आपका लखनऊ में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड आपका बाराबंकी में है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज में। जीसी आपका नैनी में है। हिंदुस्तान केमिकल केबिल लिमिटेड आपका नैनी में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड आपका हजरतपुर कानपुर में है। आयुध उपस्कर कारखाना भी हजरतपुर आपका कानपुर में है। तो यूपी में पाए जाने कुछ प्रमुख आपके स्थापित जो केंद्र हैं, संरचनाएं हैं या फिर आपके कारखाने हैं। इसके अलावा अफीम कारखाना देखिए, अफीम कारखाना आपका यूपी में है, गाजीपुर में, ठीक है, एक एकमात्र है आपका। इसके अलावा यूरिया उर्वरक कारखाना इफको और फूलपुर यानी कि आपका आंवला, ठीक है, कहां पे है तो आपका आंवला में स्थित है। इसके अलावा कृत्रिम रबर कारखाना यूपी में, जो कृत्रिम रबर कारखाना है ये कहां पे है आपका, यहां पे मोदी नगर में, कहां पे है, मोदी नगर गुजरात में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर, अमेठी, तीन जगह पर है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड आपको तीन है, झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर यानी कि अमेठी में स्थापित है। चलिए औद्योगिक संस्थानों की बात करते हैं, यूपी के कुछ प्रमुख औद्योगिक संस्थान की बात कर लें। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कानपुर में 1992 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कानपुर में 1954 में की गई। इसी तरह प्रादेशिक औद्योगिक पूंजी व निवेश निगम की पिकअप की स्थापना लखनऊ 1972 में की गई। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम आपका कानपुर में 1958 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में 1966 में स्थापित किया गया। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा 1974 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड की लखनऊ 1974 में भी यहां पर स्थापना की गई। चलिए अब बात करते हैं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की, तो इसमें है देखिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा कानपुर में बनाया गया, 1961 में स्थापित किया गया। उसी तरह नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना यानी गीडा की स्थापना देखिए कब की गई आपको, गौतम बुद्ध नगर में यहां पे बनाया गया नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इस तरह गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गोरखपुर में, सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जौनपुर में, वृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ में, और भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा आपका भदोही में। ये कुछ आपके प्रमुख विकास प्राधिकरण है। पर्यटन, पर्यटन यहाँ पर देखिए काफी सारे प्रश्न आपको पर्यटन को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन क्या क्या है। पर्यटन विभाग यूपी का बनाया गया 1956 में, वहीं पर्यटन निदेशालय की स्थापना इन्होंने की 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम बनाया गया 1974 में। वहीं पर्यटन के उद्योग का दर्जा यानी कि प्रथम पर्यटन नीति के तहत आपको 1998 में दी गई, जबकि जो नई पर्यटन नीति बनाई गई वो 2018 में बनाई गई 20 साल बाद। हेरिटेज आर्क यूपी में तीन है, लखनऊ, आगरा, वाराणसी में। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में चलाई गई, जबकि मैत्री परियोजना आपको बौद्ध स्थलों के विकास को लेकर है। वैसे अभी काफी सारे सर्किट्स योजनाएं भी चालू की गई हैं, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, और यूनेस्को की अमूर सूची में शामिल हैं रामलीला और कुंभ मेला। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हद लखनऊ में आपका स्थित है। इस तरीके से आपका पर्यटन संबंधी कुछ प्रमुख चीजें हमने देखी। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक तत्वों की, उत्तर प्रदेश कुछ सांस्कृतिक पहलुओं की, अकादमियों की, नाटक कथक संस्थानों की। जैसे राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1962 में की गई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1969 में की गई। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 में की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में की गई। यहाँ पर एक चीज और है, पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी था 1963 में, जिसे चेंज किया गया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बार फिर देख लिया, राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1969, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। तो सब चीजें लखनऊ में। सांस्कृतिक तत्वों को आपको एक चीज ध्यान रखना है, ललित कला हो,
संगीत नाटक हो, नाटक अकादमी, कथक संस्थान, सबके सब आपका लखनऊ में स्थित है। एक चीज़ तो कॉमन है, आपको टिक करके चले आना है बिना कुछ पूछे और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाए हुए, एक ही स्थान है, सबकी सब चीज़ें लखनऊ में हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान, ये भी लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 1911 में स्थापित किया गया। भारतीय कला भवन, ये आपका वाराणसी में 1920 में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में स्थापित किया गया। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य आपका यूपी का है कथक, और भारत खंड संगीत संस्थान बनाया गया आपको 1966 में। पूर्ण नाम इसका था मॉरिस कॉलेज ऑफ द म्यूजिक, इसकी स्थापना 1926 में की गई, और इसका नाम जो होता था 1966 में भारत खंड संगीत संस्थान रखा गया। इसके अलावा मोतीलाल जो नेहरू संग्रहालय है लखनऊ में 1957 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में 1947 में बनाया गया। सर्वाधिक मेले मथुरा में है 86। कुषाण गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र जो हमें प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, मथुरा से। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे नृत्य, कुछ ऐतिहासिक, कुछ घटनाक्रम, संग्रहालय इत्यादि से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। यूपी में कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं, ये भी बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कुषाण गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र स्थल मथुरा। ऐसे बटेश्वर मेला को पूछा गया है, आगरा से है। सुलह कुल उत्सव जो है आगरा से है, का आयोजन किया। चरकुला जो नृत्य है ब्रज क्षेत्र से है। तबला एवं सितार का जो आविष्कारक रहे हैं वो अमीर खुसरो रहे हैं। अयोध्या शोध संस्थान देखे तो अयोध्या 1986 में यहाँ पर स्थापित किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1990 में स्थापित किया गया। शिक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यहाँ पर देखिए तो ये कानपुर में आपका स्थापित है हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। इसके अलावा हृदय रोग संस्थान यूपी में कहाँ है, तो ये आपका हृदय रोग संस्थान एवं JK कैंसर संस्थान कानपुर में दोनों हैं। अखिल भारतीय अर्थात एम्स आपका रायबरेली और गोरख में आप स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय आपका सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश भाषा विज्ञान 1958 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात करें तो 1976 में स्थापित किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को द्वितीय उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया। बात करते हैं कि यूपी में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, उनकी संख्या क्या है। जैसे कि डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या आपकी 9 है, राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 31 है, और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या यहाँ पर 6। ठीक है, तो एक बार फिर से डीम्ड 9 है, राज्य 31 है, राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय के विश्वविद्यालय आपके 6 हैं। कुल विश्वविद्यालय निजी के अतिरिक्त 46 हैं आपके। उत्तर प्रदेश जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 6, अभी हमने यहाँ पर चर्चा की कौन कौन सी, एक बार आप देख लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय अलीगढ़, बनारस मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसे हम BHU कहते हैं ये वाराणसी में है। इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, राजीव गांधी राष्ट्रीय विभाजन विश्वविद्यालय रायबरेली, और इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका झांसी में। तो कितने हैं टोटल, 6 हैं, 6 के नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद निजी विश्वविद्यालय की संख्या बात करें तो 30 हैं। कितने हैं आपके, 30 आपके निजी विश्वविद्यालय हैं। पॉलिटेक्निक की यहाँ पर देखिए, पॉलिटेक्निक कितने कॉलेज हैं यहाँ पर, राजकीय 166 हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय 305 हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 हैं, और मेडिकल कॉलेज आपके 22 हैं। इसमें नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, होम्यो, यूनानी कॉलेज सम्मिलित आपके नहीं हैं। चलिए बात करते हैं प्रमुख शोध संस्थानों की जो कि यूपी में आपको स्थित हैं। प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं, पहला है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारत राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आपका लखनऊ, सॉरी ये कानपुर में है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर लखनऊ, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र लखनऊ,
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतगढ़, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, केंद्रीय उपोषण बागवानी केंद्र जिसका पूर्ण नाम केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र था, ये भी आपका कहाँ है, आपका लखनऊ में है। इसके अलावा केंद्रीय औषधि सुगंध पौधे संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आपका लखनऊ में है, और न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं जो संस्थानों को लेकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा आपको बीरबल साहन इंस्टीट्यूट को ध्यान रखना चाहिए, हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, कृषि वानिकी अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान, पक्षी दलहन, इसके अलावा आपको केंद्रीय उपोषण बागवानी और औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान है। ये काफ़ी सारे एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान रखना है, रिवीजन करते समय इन टॉपिक्स को, इन संस्थानों को नाम यहाँ पे आपको ज़रूर याद होने चाहिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर आपको स्थापित हैं। अब यहाँ पर देखिए और कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल का, ये भी आपको लखनऊ में स्थापित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में स्थापित है। भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान आपका लखनऊ झांसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला, ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा और कोशिकी निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान आपका नोएडा में स्थापित है। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। राष्ट्रीय उद्यमिता लघु विषय विकास संस्थान यहाँ पर आपका नोएडा में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल से आपका नोएडा में है। तो यहाँ पर भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन को ध्यान रखना चाहिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स, इसके अलावा इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला, केंद्रीय बकरी अनुसंधान, कोशिकी एवं निवारण अर्बुद शास्त्र, इसके अलावा भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपको कुछ हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ये आपको ध्यान रखने होंगे, कुछ प्रमुख संस्थान हैं। एग्जाम में इनको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिलान करने को लेकर सन दे दिया था उनको मिलान करने को लेकर, या फिर कब कब स्थापित किया गया, या किस चीज़ के किस टॉपिक को लेकर हैं, या कहाँ पर हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको इसमें बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं यूपी के कुछ पार्क और सिटीज़ की, जैसे कि डिफेंस पार्क है कहाँ पे आपका, डिफेंस पार्क देखिए आपका कानपुर झांसी लखनऊ में है। एयर स्पेस पार्क लखनऊ कानपुर आगरा मेरठ गौतम बुद्ध नगर, तो यहाँ पर देखिए आपको 5 हैं, डिफेंस पार्क 3 हैं, लखनऊ कानपुर और झांसी। इसके अलावा रक्षा औद्योगिक गलियारे की बात करते हैं, रक्षा औद्योगिक गलियारे देखिए तो अलीगढ़ आगरा झांसी चित्रकूट कानपुर लखनऊ से होकर जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय साइंस सिटी आपका लखनऊ में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, निगडा सिटी कानपुर और उन्नाव, ट्रांसगंगा सिटी आपका उन्नाव। तो यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नॉलेज पार्क, ट्रॉनिका सिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसगंगा सिटी और सरस्वती हाईटेक सिटी जो होती है यहाँ पे देखिए प्रयागराज में, सरस्वती हाईटेक सिटी को बनाने का निर्णय लिया गया है, इनको ध्यान रखना है। और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, तो सरस्वती हाईटेक सिटी आपका प्रयागराज में, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी ये आपको ध्यान रखना है गाजियाबाद है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया, लेदर पार्क आगरा, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा आगरा, टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कानपुर, साइंस पार्क संडीला हरदोई, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव, और अप्रैल टेक्सटाइल पार्क ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में आपके स्थित कुछ प्रमुख आपके संस्थान हैं। इसके अलावा मेगा फूड पार्क आपका बहेड़ी यानी बरेली में स्थापित है, और साइबर सिटी आपका कानपुर में है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही आपका लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से यहाँ पे आपके संस्थान है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में इंपॉर्टेंट है, लायन सफारी पार्क ये आप जानते हैं, नाइट सफारी पार्क, ये भी दोनों को ध्यान रखिएगा। जहाँ लायन सफारी पार्क की बात करें तो इटावा में, वहीं नाइट सफारी पार्क की स्थापना आपको कहाँ की गई है, ग्रेटर नोएडा में। इसके अलावा विज्ञान उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा में है, थीम पार्क पर्यटन आगरा में है, ये आपको ध्यान रखना है थीम पार्क बारे में। मेडी सिटी चकगंजिया लखनऊ, वेब सिटी ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है, वेब सिटी, टॉय सिटी, एक्रो सिटी, यहाँ पर देखिए
जो वेब सिटी है वो आपको गाजियाबाद में है, इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही चॉइस सिटी ध्यान रखिए, ग्रेटर नोएडा बनाया जा रहा है, एग्रो पार्क आपको ध्यान रखने हैं, बाराबंकी वाराणसी में दो हैं, बुद्धा थीम पार्क ध्यान रखना है आपको, सारनाथ वाराणसी बनाया जा रहा है, सोलर सिटी कार्यक्रम ध्यान रखना है आपको, आगरा प्रयागराज मुरादाबाद में है, और परफ्यूम पार्क यहाँ पे आपको कन्नौज, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अनुसूचित कुछ जातियों जनजातियों को लेकर, और आपका यहाँ पर हम एट द लास्ट आपको कंप्लीट कर लेंगे। अनुसूचित जातियों की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वो आपको करीब 4 करोड़ है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या यहाँ पर आपको करीब आपको 1 करोड़ है, तो 4 करोड़ SC हैं और 1 करोड़ आपको ST जनजाति आपको UP में रहती है, तो 4,13,57,608 अनुसूचित जातियों में, 1,13,42,73 यहाँ पर हैं, कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 0. यहाँ पर 6% है, ये 10 लाख है, 11,34,273 है, ठीक है। एट द लास्ट यहाँ पर कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि सर्वाधिक जो आपकी अनुसूचित जनजाति वाला जिला है सोनभद्र है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है, सोनभद्र है। इसके अलावा सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है। भारत सरकार के 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया 2003 में, तो सर्वाधिक कहाँ पर ST SC जनजातियाँ आपको UP में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए लास्ट के 3 क्वेश्चन और देख लीजिए, और उसके साथ ही आपका यहाँ पे UP स्पेशल का आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इन सारे फैक्ट को अच्छे से आपको पढ़ना है। चलिए प्रमुख हस्तशिल्प, यूपी के प्रमुख हस्तशिल्प देखिए क्या क्या है, चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क, पीतल का काम, ये यूपी के प्रमुख हस्तशिल्प हैं। एक बार फिर देख लीजिए, चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क और पीतल का काम। प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं यूपी के, तो बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा, पूरन भगत और भ्रतहरी। वहीं प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, तो कटघोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पाईडंडा, धोबिया राय, थारू, सहरा, ठीक है। तो प्रमुख लोक नृत्य कटघोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पाईडंडा, धोबिया राय, थारू और शौरा, यहाँ पे आपके प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इस तरीके से यूपी स्पेशल से लेकर आपको जो स्टैटिक और GK का पोर्शन था हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आपको भी देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, इसको लेकर रिवीजन आपको लगातार करना है, बहुत कम समय है। 24 को यहाँ पर आपको एग्ज़ाम है, 24 अक्टूबर को, और ऑलरेडी यहाँ पर देखिए 10-11 अक्टूबर आपको हो चुकी हैं, 2 वीक आपके पास बची हुई हैं, 2 वीक के बाद आपको एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर इस वीक इसीलिए हमने यहाँ पर GS स्टैटिक का जितना पोर्शन था, GS स्टैटिक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। आपको भी यहाँ पर GS जितना भी है स्टैटिक का पोर्शन आपको यूपी स्पेशल है वो हमने यहाँ पर दे दिया है, ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीक आपको करंट लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपका जो यूपी स्पेसिफिक करंट है, बाकी करंट के लिए आपको यहाँ पर लक्सरीज देखते रहिए, यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीक हम प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए 1 वीक है, अच्छे से इसको यूपी स्पेशल कंप्लीट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीक मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ, एंड गुड लक।